हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या सी एस आई आर नेट गेट आई आई टी जेम और बी एस सी एम एस सी की चीज़ों को हम लोग एक साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वो आपकी हर यादें, आप पी जी टी के टीचर हैं, बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इसको आप देख सकते हैं, या तो आप पी जी टी के लिए आप प्रिपेयर करें तो वहाँ से यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, कि अगर आप सी एस आई आर नेट का है तो सारा सिलेबस आपको कवर कर लेता है। तो हम सबसे पहले ये है सिक्स, जो हम कल बताए थे आपको प्रीवियस लेक्चर में, कि चार सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, चार यूनिट जिसको बोल सकते हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। हम जो है यूनिट नंबर टू स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है सारा लेक्चर जो है यूनिट नंबर टू का देने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हम आखिर पढ़ाना क्या चाह रहे हैं यूनिट नंबर टू में, और वो कौन कौन सा कहाँ कहाँ आपको सिलेबस में मिलेगा वो। ठीक है, ये तो सबसे पहले यूनिट नंबर टू में कौन कौन सा चीज आता है उसको हम बताते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर टू में आपका जो है, सबसे पहले कम्प्लेक्स एनालिसिस आएगा, उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले कम्प्लेक्स एनालिसिस, ये क्लास अलेवेंथ में भी है या आपका सिलेबस में, ये क्लास जो है कम्प्लेक्स एनालिसिस ये क्लास अलेवेंथ में भी है। ये अगर आप बीएससी का स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ये कम्प्लेक्स एनालिसिस। उसके बाद ये एमएससी का फर्स्ट ईयर में भी होता है कम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें टोपोलॉजी। ठीक है, ये है हम लोग का, ये जो है टोपोलॉजी जो है, ये बीएससी का स्टूडेंट्स जो है लास्ट ईयर में टोपोलॉजी पढ़ा करता है। टोपोलॉजी इसका लास्ट ईयर में एक पेपर होता है टोपोलॉजी का, और एमएससी में भी इसका एक पेपर होता है टोपोलॉजी का। ठीक है, थर्ड में हम लोग को क्या है, थर्ड में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, नंबर थ्योरी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले, नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी ये आपके एमएससी के सिलेबस में आता है, नंबर थ्योरी आपका, और ये सी एस आई आर नेट में एक तो मेन पार्ट है। ठीक है, नंबर थ्योरी। ठीक है, इस नंबर थ्योरी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें कम्बिनेटरीज पढ़ेंगे, इसमें परमोटेशन कम्बिनेशन जो अलेवेंथ का है, सेट्स पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ हम लोग नंबर थ्योरी में पढ़ेंगे। नंबर फोर जो है ये बीएससी पार्ट वन का बच्चे लोग पढ़ते हैं इसमें, और ये जो है जिसमें जो है हायर एमएससी में के सिलेबस में ये आता है, जिसका नाम होता है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी। ठीक, ये ग्रुप थ्योरी होता है। नेक्स्ट हम लोग जो है फाइव नंबर जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिंग थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, ये है रिंग थ्योरी, है रिंग थ्योरी है, और इसी जो है इसी नंबर थ्योरी को हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम यूनिट नंबर, ये सारे मेन इसका यूनिट्स है इसका। ठीक है, मेन पार्ट्स है इसका। ठीक, और इसमें जैसे नंबर थ्योरी जब स्टार्ट करेंगे, ये अलेवेंथ में भी आपका आ जाएगा, ये क्लास टेन में बहुत सारे चीज़ को यहाँ पे आपको ये हम सिखाए नंबर थ्योरी को हम सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, बी एस सी पार्ट वन का भी स्टूडेंट है तो यहाँ से भी आपको जो है बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। तो आपको ये लेक्चर को आपको अच्छे से आपको देखना है यहाँ पे, और टॉपिक बाय टॉपिक को आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ये तो टोपोलॉजी हो गया, नंबर थ्योरी। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, अभी जो मेरा लेक्चर आएगा ये सारा पहला हम नंबर थ्योरी में आएगा। ठीक, सो नंबर थ्योरी में क्या आएगा वो हम बताते हैं, नंबर थ्योरी का सिलेबस में क्या क्या आता है। ठीक है, नंबर थ्योरी के सिलेबस में क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर थ्योरी के सिलेबस में पढ़ाएंगे हम नंबर थ्योरी। सबसे पहला इसका जो पार्ट है नंबर थ्योरी, सबसे पहला इसमें पार्ट है सेट्स का। यहाँ पे आपको हम सेट्स पढ़ाएंगे, सेट्स पढ़ाएंगे जो आपका बीएससी में भी काम आ जाएगा आपका। रिलेशन में है सेट्स होगा, फिर है रिलेशन जो क्लास अलेवेंथ में भी है, ट्वेल्थ में भी है। ठीक है, रिलेशंस, और ये क्या पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे, फंक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ आपको सेट्स ऐसा पढ़ाएंगे जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से रिलेटेड करेगा। ठीक है, नंबर थर्ड जो है हम पढ़ाने वाले हैं, सेट्स हो गया, लेसन हो गया, फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ाएंगे इसमें आपको परमोटेशन एंड कम्बिनेशन, जो क्लास अलेवेंथ की चीज़ है। ठीक है, और ये आपको जो है कोई भी कंपटीशन में है तो वहाँ पर भी इसका ही काम आ जाता है, ये परमोटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, ये है इसमें। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ाएंगे आपको ये है इसमें कॉन्ग्रेस मॉडलो, ये आपका पार्ट वन का सिलेबस में आता है। ठीक है, मॉडलो सिस्टम। ठीक है, मॉडलो सिस्टम, कॉन्ग्रेस मॉडलो, इसी में आपको हम बताएंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, सीआरटी क्या होता है, लीनियर कॉन्ग्रेस मॉडलो, ये सारी चीज़, एडिशन मॉडलो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो क्या होगा, ये सारा चीज़ हम इसमें कम करेंगे। और नंबर थ्योरी के पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग को भी हम लोग सीखेंगे, कैसे सेट को काउंटिंग किया जाता है, रिलेशन को कैसे काउंटिंग किया जाता है, फंक्शन को कैसे काउंटिंग किया जाता है, ये सारी चीज़ को हम लोग सीखेंगे। उसके बाद सबसे पहला जो पार्ट है इसका,
यहाँ पे थियोरेटिक फंक्शन, थियोरेटिक फंक्शन इसको हम लोग भी इसको सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। थियोरेटिक फंक्शन, थियोरेटिक फंक्शन, ठीक है, थियोरेटिक फंक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, आइलर फंक्शन क्या होता है, आइलर फंक्शन क्या होता है, सिग्मा फंक्शन क्या होता है, डिवीजन फंक्शन क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें हैं वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। नंबर सिक्स जो हम लोग सीखने वाले हैं, वो सिक्स नंबर में जो सीखेंगे हम लोग, ये थियोरेटिक फंक्शन हो गया। सिक्स नंबर जो होगा हम लोगों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हो गया। इसमें एक है फंडामेंटल थियोरम ऑफ अर्थमेटिक, सबसे बढ़िया पार्ट है ये फंडामेंटल थियोरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्लास टेन के सिलेबस में आता है और ये बीएससी के भी सिलेबस में आप बच्चे को पढ़ते हैं। फंडामेंटल थियोरम ऑफ अर्थमेटिक का 8-10 स्टेटमेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम्स क्या होगा, एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिथम्स क्या होगा, उसके बाद इसमें पढ़ेंगे क्या करते हैं एफ टी ए में हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड टर्मिनेटिंग, वो क्लास नाइन की चीज़ों को आ जाता है। तो आपको एक एक चीज़ के ये आपका नंबर थ्योरी आपको सिर्फ छोटा आपका डोंगर लग रहा है, ये छोटा ही ना, बहुत बड़ा चीज़ है ये, ऐसे बहुत सारा लेक्चर्स आएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले आज नंबर थ्योरी का सबसे कॉन्सेप्ट, जो सबसे सबसे छोटा पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं नंबर थ्योरी, ठीक है। तो आपसे ये क्लास एट के ही बच्चे भी ये सब चीज़ पढ़ते हैं, ये क्लास नंबर थ्योरी का बता देते हैं नंबर थ्योरी में, और ताकि आपको सेट्स को पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा आसानी हो, कुछ कुछ वर्ड आपको मैथ्स में आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहला जो है नंबर थ्योरी क्या होता है, सो नंबर थ्योरी जो होगा, नंबर थ्योरी ठीक है। तो आपको अगर कोई भी टॉपिक अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। और हर चीज़ को हम लोग यहाँ पे हम यहाँ पे वीडियो को अपलोड करेंगे। नंबर थ्योरी में क्या होगा, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स दैट इन्वेस्टिगेट मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जैसे आईडी के टर्म पे टर्म जो होता है किसी का खोज, किसी के बारे में उसको पढ़ना है। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इन्वेस्टिगेट अबाउट नंबर्स स्पेशली पॉजिटिव इंटीजर। आपको ये सारे चीज़ों को पढ़ना है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग सेट में इसका रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। सबसे पहले आपको पता होगा अगर डिजिट्स अगर कंबाइन हो जाता है तो बन क्या जाएगा आपका, ये क्या बनेगा, नंबर बनेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर्स को हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे होगा रियल नंबर और दूसरा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर ये होगा, फिर क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इमेजिनरी को अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कम्प्लेक्स नंबर, ये हो जाएगा कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो होगा क्या होगा, वो इंटीजर्स होगा, और नेक्स्ट क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। इंटीजर्स को भी हम लोग दो तरफ डिवाइड करेंगे। पहला जो होगा वो क्या होगा, एक जीरो होगा। रैशनल नंबर हो गया दो तरह का, एक इंटीजर्स होगा एक फ्रैक्शन होगा। इंटीजर्स में आपको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, एक लिखेंगे होल नंबर, ठीक है, एक होल नंबर लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे, होल नंबर, एक लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। एक क्या लिखेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और होल नंबर को भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, होल नंबर को भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे। वो क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा, ये सबसे पहला आ जाएगा जीरो, और दूसरा जो आएगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर को भी क्लासीफाई कर सकते हैं वो। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर सारे, ये होगा ऑड नंबर होगा, ये इवन नंबर होगा, ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर।
यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन। आप थोड़ा रिप्रेजेंटेशन सीख लीजिए किसका कौन सिंबल होता है। सर रियल नंबर को हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ जहाँ आ रहे हैं समझ जाएंगे वो रियल नंबर है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, सी से करेंगे। जहाँ पे अगर सी लिखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखे समझ जाना है, वो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जहाँ रैशनल नंबर है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्यू से, ठीक। कुछ कुछ बुक में इसका क्या कहते हैं, कुछ अलग से भी दिया हुआ है। इरेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, क्यू कम्प्लीमेंट से करेंगे, ठीक है। इंटीजर्स को हम लोग क्या करेंगे, जेड से करेंगे, ठीक है। होल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू से करेंगे। और नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या करेंगे, जेड पे पावर क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे, ठीक है। और नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एन से। और ऑड नंबर इवेंट नंबर के लिए कहीं कोई फंड इसमें है नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसका रिप्रेजेंटेशन, आपको रिप्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। इमेजिनरी नंबर को हम लोग को समटाइम्स इसको आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, आई एम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका सेट्स में बड़े बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो आपको हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन किसका होता है। सबसे पहला आर जो होगा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये आपको सेट्स में आपको काम आएगा ये। नेक्स्ट आपको सी जो स्टैंड करेगा वो किसको करेगा, वो कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये होगा। क्यू जो होगा वो क्या करेगा, वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्यू कम्प्लीमेंट जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक रिया हो गया। जेड क्या होगा, वो इंटीजर करेगा, ठीक है, इंटीजर से। जेड प्लस जो होगा वो क्या करेगा, वो आपका पॉजिटिव इंटीजर करेगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर करेगा, ये होगा आपका। और नेक्स्ट जो होगा जेड माइनस जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट करेगा। और एन जो होगा वो क्या करेगा, नेचुरल नंबर, यहाँ लिख देते लास्ट में, एन जो होगा वो क्या करेगा, नेचुरल नंबर इंडिकेट करेगा। ये आपको सीखना ही है, ठीक है। जहाँ पर भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, ये वाला पार्ट पूरा आपको मैथ्स में काम आने वाला है, चाहे रियल नंबर हो या रियल एनालिसिस हो या कोई भी पार्ट में हो, ये आपको बेसिक चीज है, ठीक है। ये आपको एकदम याद रखना है, आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, सी स्टैंड फॉर कम्प्लेक्स नंबर, क्यू स्टैंड फॉर इरेशनल नंबर, क्यू कम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर, ठीक है, यहाँ इरेशनल नंबर होगा। ये जेड इंटीजर, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर, एंड एन इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। डब्ल्यू को आप होल नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू होल नंबर, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डब्ल्यू यहाँ पे होल नंबर है। यहाँ पे सारे एक एक करके हम आपको हम बता देते हैं। और ये आपको हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होने करने वाले हैं यहाँ पे, वो आपको हम सेट्स के रिगार्डिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर में क्या होगा आपका, अगर इस नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे, अगर ये पॉजिटिव मिल गया तो हम लोग रियल नंबर बोलेंगे, अगर कोई नंबर को हम लोग स्क्वायर करेंगे अगर नेगेटिव मिला उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर करेंगे। ये क्लास 8, 9, 10 का चीज़ है, वहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। रैशनल नंबर का मतलब हो गया कोई नंबर को अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। और जो रैशनल का कंप्लीमेंट क्या होगा, इरेशनल होगा। इंटीजर्स पता होगा, ठीक है, कोई भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। और ये सारी जो है नेचुरल नंबर आपको पता होगा काउंटिंग नंबर होता है, और ये होल नंबर काउंटिंग नंबर भी जीरो होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा डेफिनेशन आपको याद रखना है, और ये चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, नंबर थ्योरी के बारे में आपको याद रखना है, ताकि आपको। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा हम पढ़ाएंगे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, उसके बाद जो है आइडेंटिटी एलिमेंट उसको हम लोग क्लासिफिकेशन सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स पे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।